दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेपर ग्रुप के। दिख रहा है ना, ये टेपर है 30 डिग्री में, ये डायामीटर भी टेपर है और ग्रुप भी टेपर है, मतलब इस डाया के पैरेलल है, तो 30 डिग्री में इस ग्रुप में भी टेपर है। दोस्तों, आप देख के तो ये काफ़ी ऐसा लग रहा होगा कि ये बनेगा कैसे, लेकिन मैं इसका बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगा और मैंने इस तरह का ग्रुप बहुत सारा बनाया भी है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको मैं ये टेक्निक शेयर करूं। अब दूसरा सवाल ये है कि आपको ना अभी ये 35 mm दे दिया, यहाँ का 32 दे दिया, तो ये डाया भी नहीं देता है, ठीक है? तो ये डायामीटर भी आपको निकालना पड़ता है, और वो कैसे निकालेंगे ये आपको पहले से पता भी होना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये 32 दे दिया, ये डायामीटर नहीं दिया, तो आपको देखना है कि 35 mm लंबाई में अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये डायामीटर कितना होगा। एक तो ये निकाल लेना है, जो मैंने निकाल लिया आपको भी बता देता हूँ। अब ये कैसे निकलेगा कि आपको ये देखना है कि अगर ये यहां से मैं ऐसा कोई लाइन खींच दूं, ठीक है, ये पॉइंट है ये वाला, तो अब ये देखना है कि यहां से 30 डिग्री का कोण अगर बनता है तो ये 35 mm लेंथ में आ करके यहाँ पे, अगर ये 35 है और ये कोण जो है वो 30 डिग्री का है, तो यहाँ से ये कितना ऊपर उठ जाएगा ये आपको नोट करना है, क्योंकि इधर का तो डाया आपको मालूम है, ये 32 दिया है। तो अब अगर ये 30 डिग्री है, आप यहाँ पे ए बी सी मान लेते हैं, तो हमें पता है कि 10 30 डिग्री का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 10 थीटा बराबर आपका ए बी बटा बी सी होता है, तो ए बी बटा 35 हो गया। और अगर आपको ए बी निकालना है तो 35 में आप गुणा कर देंगे 10 30 डिग्री का, तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसका डबल करके आप 32 में जोड़ देंगे। तो अगर आप इसको निकालेंगे, मैंने तो निकाल रखा है, आप भी इसको एक बार जरूर चेक करिएगा कि इसकी जो वैल्यू आएगी 10 30, ये आएगी 20.2, 20.207 समथिंग आ रहा है। अब इसका आप डबल कर देंगे, ये आ गया 40.41। अगर इसका हम लोग ये जो भी वैल्यू आ गई इसका आप डबल कर दें, ये आ गया 40.41। और इसमें जब आप 32 जोड़ देंगे तो इसमें आप प्लस कर दीजिए आगे वाला डाया, तो ये आ गया आपका 72.41। ये तो डाया है, आपको जरूरत पड़ेगी कब, जब आप टर्निंग करेंगे, वो हम लोग टेपर टर्निंग कोई भी साइकल्स लेके कर देंगे। अब आता है कि जब आप ग्रुप बनाएंगे तो बनेगा कैसे। तो इसमें दोस्तों बड़ा आसान तरीका ये है, क्योंकि ये किसी भी साइकिल से या किसी भी टूल से तो नहीं बनेगा, तो सिंपल इसका तरीका क्या है कि आप 4 mm का ग्रूविंग टूल लीजिए, समझ रहे हैं? अगर हम लोग यहाँ पे 4 mm का कोई ग्रूविंग टूल ले लें, वो 3 का भी ले सकते हैं, पर मैं कह रहा हूँ कि आप 4 mm का ही ले लीजिए ऐसा, तो जनरली तो आपका ग्रूविंग टूल जो होगा वो ऐसा होगा सीधा। अब हमें क्या करना है कि ये जो टूल पोस्ट ग्राइंडर्स होते हैं, जो टूल रूम में काम करते हैं, उनको आप दे करके ना आप 4 mm की खराब इंसर्ट्स लीजिए, चली हुई इंसर्ट्स यूज करिए और उसमें 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो इसको हम यहाँ पे 30 डिग्री के एंगल में इसको ये कट करा देंगे, इंसर्ट्स मॉडिफाई कराना पड़ेगा और कोई भी तरीका नहीं है। तो अब अगर ये इंसर्ट्स आपकी ऐसे मॉडिफाई हो गई तो आपको सिंपल इसको प्लंज करा देना है, आप समझ चुके होंगे, ऐसे ही बनेगा और कोई भी तरीका दूसरा इसका नहीं है। इस इंसर्ट्स को हम सीधा प्लंज करा देंगे, सिंपल। अब प्लंज कराएंगे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि यहाँ का डायामीटर क्या है। आप रैपिड में इस इंसर्ट्स को यहाँ पे अगर लाते हैं तो ये भी आपको उसी हिसाब से इधर आने वाला है, तो आपको रैपिड में
कहीं का एक डाया आप एक्स का जब ऑफसेट लेंगे ना, तो आपका ये एज तो बाद में टच होगा, ये पहले टच होगा। अगर सिंपल आपका ऐसा कोई ओडी है तो आपका यही वाला एज जो टेपर एज है यही पहले टच होगा, ठीक है। तो आप एक्स इसी का ले लीजिए। तो अच्छा है कि हम लोग अगर यहाँ पे 15 एमएम पे डाया निकाल लें, तो आप समझिए कि ये 35 के बजाय अगर 15 मिलीमीटर है, यहाँ पे हम लोग डाया कैलकुलेट करेंगे भाई यहाँ का डाया क्या है, तो हमारा ये फार्मूला वही रहने वाला है। यहाँ पे हम लोग 50 × 10⁰ कर देंगे, तो यहाँ पे आपका जो डाया मिलेगा 15 × 10⁰, ये हो गया आपका 8.66। 15 × 10⁰ किया तो यहाँ पे डाया आ गया 8.66। सेम कहानी है, आप इसको डबल कर दीजिए, 17.32 आ गया, और आपको वो जो है ये 32 में जोड़ देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ तो 32 है, तो इसमें आप अगर इसको जोड़ देते हैं, इसका डबल किया ना, तो ये आ गया आपका 17.32, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 32, तो ये आ गया आपका 49.32। अगर इसमें आप ऐड भी कर दें 32, तो ये डाया आपका बन जाएगा 49.32। ये डाया हमें क्यों चाहिए, कि जब हम लोग पोजिशनिंग लेंगे तो कहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। अब जब इसका ग्रुपिंग का प्रोग्राम बनाएंगे, तो प्रोग्राम आप सिंपल तरीके से जैसा भी आप बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो भी सीक्वेंस या प्रोग्राम नंबर लेना है आप ले लीजिए अपनी सहूलियत से। सिक्वेंस नंबर N1 भी हो सकता था, N2 भी हो सकता था, ठीक है। N1 में अगर टेपर टर्निंग कर ली तो आप सीक्वेंस नंबर N2 में इसको बना लीजिए। इम्पोर्टेंट है ग्रुपिंग। अब N2 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप यहाँ पे जो कोड लिखते हैं G28U0W0T0202, इसमें जो हम इंसर्ट्स लेंगे वो 4 mm की ही ले रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा ब्रैकेट में लिख देता हूँ। आप 3 mm का भी ले सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे इसको रोटेट करा लेंगे, G97S कुछ भी मैंने मान लिया 1200 पे मैं घुमा दूँ, M03 G0X 100 Z50, ठीक है G0X। अब जैसे हमारा यहाँ का डाया ये 49 आ रहा है, तो आप 50 या 51 या 52 पे आप रैपिड में लेके आ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे Z- है ना, यहाँ की जो वैल्यू है इस एज की, अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि आपने जो Z0 लिया है वो किसका लिया है। तो इस साइड वाला तो Z0 ले नहीं सकते, तो आपने इधर का Z0 लिया है, तो इधर का Z0 लिया है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, Z-19। अगर आपने Z0 इस वाले साइड का लिया है, ठीक है ना। ये मैंने बड़ा ही क्लियर अपने ग्रुपिंग का जो बिल्कुल बेसिक वीडियो है उसमें आपको समझा दिया है। अगर किसी को डाउट रहेगा तो वो मैं आई बटन्स में ग्रुपिंग की वीडियो ऐड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना। तो आप इसका अगर Z0 लिया है तो आप इसको यहाँ पे डाल दीजिए, तो हम लोग Z-19 लिख देंगे। ठीक है, अगर ये डाया आप यहाँ आएगा ना, तो ये उसी हिसाब से अपने आप ही ऊपर रहेगा, बहुत दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप कूलेन आग डाल दीजिए, कहीं पे M7 से होगा, कहीं M8 से होगा। फिर यहाँ से आप G01 में X में, अगर आपको यहाँ का डाया 26 दिया है तो आप X26 आ जाइए, फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी रख लीजिए, मैं 08 एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। तो ये 26 आएगा, ये अपने आप ही यहाँ पे टेपर बन जाएगा और आप यहाँ से ऊपर उठा लीजिए। फिर यहाँ पे G0X
200Z 100M0 9M01। तो ये बड़ा ही सिंपल वीडियो है, लेकिन अगर आपने कभी बनाया नहीं तो आपको ये परेशान करता रहता है कि कैसे बनेगा। तो बड़ा सिंपल है, बशर्ते कि जो इंसर्ट्स है वो कस्टमाइज होगी, वो आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसा बना के देखिएगा कभी जरूरत पड़े तो, और वीडियो कैसी लगी आप एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को लाइक तो करते हैं, देखते भी हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।